हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। तो आज हम सरफेस टेंशन का वीडियो नंबर 2 लेके आ गए, जो कि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10 भी होगा। तो अगर आपने सरफेस टेंशन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, अगर आपको सरफेस टेंशन की बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। उसमें मैंने ये बताया कि सरफेस टेंशन क्या होता है, क्यों होता है, फॉर्मूला क्या होता है और सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड की ड्रॉप के अंदर कुछ एक्सेस प्रेशर होता है। लिक्विड की ड्रॉप हो, एयर का बबल हो, इवन सोप का बबल हो, उसमें भी ये होता है। और हमारा जो टारगेट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा IIT JEE 2009 का। यहां तक हमें पहुंचना है इस क्वेश्चन तक। तो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका ये कैसा चैनल, चूहे खाने वाला चैनल फिजिक्स वाला। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। तो एक छोटा सा टॉपिक है पर इसके कंसेप्ट बहुत ही खराब होते हैं लोगों के, लोग क्या बच्चों के। तो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अच्छे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड क्विड ड्रॉप। तो हमारे पास एक लिक्विड की ड्रॉप है यहां, ठीक है, इसमें लिक्विड है अंदर। बाहर से प्रेशर मान लो है पी एक्सटर्नल, और अंदर किसका प्रेशर होगा, लिक्विड का। तो मैंने कहा अंदर से प्रेशर है प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर ये ड्रॉप हमारी इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो आप क्या कहते हो, लिक्विड का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, उससे कम होगा या ज्यादा। अगर इस ड्रॉप का रेडियस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली जितनी प्रेशर बाहर से अप्लाई हो रही है उतनी प्रेशर अंदर से अप्लाई हो रही है। गलत, ये नहीं होगा। रीजन क्या है, आप एक फोर्स भूल गए। देखो, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इस पे ये फोर्स लगेगी, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक लिक्विड के प्रेशर की वजह से फोर्स बाहर लगेगी, फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर। लिक्विड का प्रेशर अंदर से बाहर ले जाना चाहेगा, और बाहर से एयर है, एयर का प्रेशर इसे अंदर दबाना चाहेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, बाहर एटमोस्फेयर का प्रेशर इसको अंदर। तो ऐसा लग रहा है दोनों बराबर होंगे, तो इक्विलिब्रियम पर रुको। हम एक फोर्स भूल गए जो कि है बच्चों सरफेस टेंशन की। बच्चों इसको हम भूल गए, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता था, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया कम, भाई फ्लूइड के सरफेस एरिया को कम करना, लिक्विड का सरफेस एरिया कम से कम हो, यही तो सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन चाहेगा कि इसके सरफेस एरिया को कम करें। अब ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr². तो सरफेस टेंशन चाहेगा कि इसके सरफेस एरिया को यानी रेडियस को किसी तरह से कम कर ले, यानी सरफेस टेंशन की फोर्स इसको अंदर खींचेगी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहां नहीं ऐड करेगी, हर जगह, यहां पे सरफेस टेंशन अंदर, यहां पे सरफेस टेंशन अंदर, यहां अंदर, यहां अंदर, समझ रहे हो। लिक्विड प्रेशर हर तरफ बाहर, वो तो मैंने एक बनाने के लिए बनाया है ना। जैसे यहां पे देखो, मैं छोटे से बताता हूं, ये लिक्विड प्रेशर वाली फोर्स, लिक्विड प्रेशर वाली फोर्स ये रही, एक्सटर्नल फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स, और सरफेस टेंशन वाली फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। सरफेस टेंशन वाली फोर्स इस पूरे को अंदर खींच रही, एक्सटर्नल प्रेशर वाली फोर्स भी अंदर दबा रही, और लिक्विड प्रेशर वाली फोर्स इसको बाहर ले जा रही। इन तीन फोर्सेस के प्रेजेंस में ये इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब जो लिक्विड प्रेशर है ये दो चीज को मैनेज कर रहा, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर को और सरफेस टेंशन को। इसका मतलब जो लिक्विड प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, तभी तो टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड। ये प्रेशर इसके बराबर नहीं है, ये प्रेशर इसके प्लस सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है, दोनों को अकाउंट कर रहा है, दोनों को टैकल कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर सरफेस टेंशन दोनों से ये अकेले लड़ रहा,
तो डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमने देखा कि ये जो लिक्विड का प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2s by r। s क्या है, सरफेस टेंशन, s है, r क्या है इसका, रेडियस। कई बुक में 2t by r लिखा है, एक ही मतलब है, t सरफेस टेंशन, s बोलो या t बोलो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, p इनसाइड माइनस p आउटसाइड इज इक्वल टू 2s by r, सही है, p इनसाइड माइनस p आउटसाइड। प्रेशर कहां पे ज्यादा है, अंदर। इसको एक तरह से और लिख सकते हो, ध्यान देना, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड माइनस प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड इज 2s by r। अंदर वाला प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा है, 2s by r। एक तो ज्यादा है समझ के, कितना ज्यादा है, 2s by r। प्रेशर ऑन कॉनकेव, देखो ये कॉनकेव अंदर, प्रेशर ऑन कॉनकेव, कॉनकेव साइड किससे ज्यादा है, प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, देखो बाहर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड का प्रेशर कितना ज्यादा, 2s by r का। लिक्विड ड्रॉप के लिए, अभी सोप बबल के लिए बात करेंगे तो 4s by r, क्लियर। अभी डिराइव करके दिखाते हैं इसको, यहां तक समझ में आया, क्यों ज्यादा है समझ गए, क्योंकि अंदर वाला लिक्विड प्रेशर इसको भी मैनेज कर रहा और सरफेस टेंशन को भी मैनेज कर रहा, ठीक है। अच्छा चलिए, इसका हम डेरिवेशन आपको दो तरह से बताते हैं, जितने भी कंफ्यूजन है डेरिवेशन में सब मिटा देंगे, टेंशन मत लें। चलिए इसको हम डिराइव कर लेते हैं, आइए देखिए। पहला मेथड हम ले लेते हैं इसमें, सरफेस एनर्जी मेथड, सरफेस एनर्जी मेथड, सरफेस एनर्जी मेथड। चलिए यहां पे हमने लिक्विड ड्रॉप बनाई, इसका रेडियस कितना है, r, अंदर प्रेशर मान लो p इनसाइड, बाहर प्रेशर मान लो p आउटसाइड, कोई दिक्कत, p इनसाइड p आउटसाइड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम मानते हैं दैट दिस ड्रॉप एक्सपैंड्स, ऐसे अज्यूम कर लिया, फ्रॉम r रेडियस टू आर प्लस डेल्टा आर, बहुत छोटा सा डेल्टा आर, बहुत छोटा, यहां से थोड़ा सा ये एक्सपेंड कर गया, कितना, थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया। कैसे किया आप, रीजन पूछोगे, हम बोल देंगे अंदर का प्रेशर थोड़ा सा इससे ज्यादा है, मान लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया। अच्छा होगा क्या, जब ये एक्सपेंड करेगा, जब ये एक्सपेंड करेगा तो इस सिस्टम की सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। सरफेस एनर्जी पढ़ा है हमने, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी। अभी एक शॉर्ट मेथड भी दिखाएंगे इसका, पहले ये मेथड समझ लो, एक शॉर्टकट भी बताएंगे। तो हम कह रहे हैं जब ये एक्सपैंड करेगा तो इसकी सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, तो वो सरफेस एनर्जी कहां से आई, इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं, सरफेस बढ़ गया, पहले रेडियस आर था फिर आर प्लस डेल्टा आर, तो ये एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी कहां से आई, एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी वर्क डन से आई, जिस वर्क की वजह से ये एक्सपैंड किया। So, work done in expansion, तो बच्चों work done is equals to force into displacement, force into displacement। अब इसके ऊपर एक अंदर से force लग रही होगी, एक बाहर से, अंदर वाली force internal pressure की वजह से, बाहर वाली force external pressure की वजह से, outer pressure की वजह से। So, इसके ऊपर net force कितनी होगी, F इंटरनल माइनस F आउटर साइड, P लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेस हुआ है डेल्टा आर, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, सो P इनसाइड इंटू एरिया, ये पूरा सरफेस एरिया है जिस पे फोर्स लगेगी, फोर्स यहां लगेगी, फोर्स यहां लगेगी, फोर्स यहां लगेगी, यहां लगेगी, सब जगह लगेगी, तो एरिया कितना हो गया ये 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आउटर वाली फोर्स पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर, दिस इज द वर्क डन इन एक्सपेंशन। इसको हम लिख सकते हैं
पी आई माइनस पी नॉट इंटू पी आउट है आउटर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब ये जो वर्क डन हुआ एक्सपेंशन में ये कहां गया, इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ाने में, इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ाने में। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया, मैंने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सरफेस टेंशन 01 फिजिक्स वाला, उसमें सरफेस एनर्जी मिल जाएगा। एस इज सरफेस टेंशन, डेल्टा ए इज चेंज इन एरिया, डेल्टा ए इज चेंज इन एरिया। तो इसका इनिशियल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। सो अगर हम पूछें व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो आप बोलोगे एस इंटू डेल्टा ए, एस इंटू डेल्टा ए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, एस इंटू फाइनल एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 4 पाई कॉमन, एस इंटू 4 पाई, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस आर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब सुनो, क्योंकि डेल्टा आर बहुत छोटा था तो डेल्टा आर का स्क्वायर और छोटा होगा। मान लो डेल्टा आर बहुत छोटा है, मान लो डेल्टा आर की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 3 मीटर, सो डेल्टा आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, और छोटा हो जाएगा। तो अगर डेल्टा आर बहुत छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर विल बी नियरली जीरो, बहुत छोटा हो गया तो हमने इसको करीब करीब जीरो, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे। एस इंटू 4 पाई इंटू 2 आर डेल्टा आर, ये है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ये है वर्क डन, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, बोथ विल बी इक्वल। तो आइए दोनों को इक्वल कर दें, हम दोनों को इक्वल करेंगे यहां से, एस इंटू 4 पाई इंटू 2 आर डेल्टा आर, ये हो गया इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, वर्क डन पी आई माइनस पी आउटर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, 4 पाई से 4 पाई मरा, डेल्टा आर से डेल्टा आर मरा, आर स्क्वायर का एक आर मरा, यहां का एक आर मरा, तो बच रहा है मेरे पास इस तरफ 2 इंटू एस, वहां बच रहा है एक आर, उसको इधर ले आया, बटे आर इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस पी आउटर, यही तो प्रूफ करना था। अंदर बाहर से कितना ज्यादा प्रेशर है 2s बाय r, इसी को डेल्टा p भी लिखा रहता है कई किताब में, कई किताब में इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू 2s बाय r। कहां प्रेशर ज्यादा है, अंदर बाहर से कितना ज्यादा 2s बाय r। तो एक तो तरीका ये हुआ, मैंने बोला थोड़ा सा एक्सपेंड करा लिया डेल्टा आर, मैंने वर्क डन निकाल लिया, बाहर की तरफ एक्सपेंड किया तो डेफिनेटली अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो इंटरनल फोर्स माइनस एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, फिर वगैरह वगैरह, फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया रख के हमने इधर से वर्क डन निकाला सरफेस एनर्जी के लिए, एस इनटू डेल्टा ए लगा के ये निकाला, डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया और दोनों को इक्वेट कर दिया, जितनी सरफेस एनर्जी बढ़ी उतना वर्क डन हुआ। एक दूसरा इसका शॉर्टकट मेथड देखिए, चलिए इसी बात को डिराइव करने का एक और मेथड, सर्क्यूलर डेरिवेशन बताते हैं। एक बार क्या हुआ था ना कि एक बार क्या बहुत बार होता है कई बार क्या होता है जी, एकदम बीच से डेरिवेशन के सवाल उठाता है, जैसे अगले लेक्चर में आपको मिलेगा 2013 मेंस में ऐसा हुआ था, है ना, सरफेस टेंशन का ही क्वेश्चन था कैपिलरी राइज का, तो वहां पे किया था, अगला लेक्चर अपना कैपिलरी राइज पे होने वाला है। आइए वापस आइए, तो क्या बात कर रहे थे हम, सेकेंड मेथड टू डिराइव 2s बाय r, है ना, डेरिवेशन फॉर डेल्टा p इज इक्वल टू 2s बाय r। चलिए फिर से हमने यहां पे एक लिक्विड की ड्रॉप ले ली, अब कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे हम, हमने एक लिक्विड की ड्रॉप ले ली, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, अंदर से इंटरनल प्रेशर लिक्विड का लग रहा है, इसको आउटर लिख लें, एक्सटर्नल लिखो आउटर लिखो, और सरफेस टेंशन की कहानी भी चल रही है। मैं एक बड़ा नया काम करने वाला हूं, मैं इस स्फीयर को बीच से काट दूंगा, बीच से मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब जरा देखो जो बचा हुआ पार्ट है क्या वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये एक हाफ हो जाएगा, एक हाफ, और इधर से दूसरा हाफ, थोड़ा और बड़ा बना लेंगे,
बड़ा बनाने से क्या होता है सर? हाँ, एक हाफ ये, एक हाफ ये, यहां से मैंने इसे बीच से काट दिया, समझ में आ रहा है? यहां से अब मैं इस हाफ पार्ट का इक्विलिब्रियम देखूंगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अच्छा, हाफ पार्ट में फोर्सेस सोचो, एक तो अंदर प्रेशर है ही, मतलब ये पार्ट इस पर प्रेशर लगा रहा होगा, है ना? ये वाला पार्ट मैंने उठाया तो ये वाला पार्ट इस पर प्रेशर तो लगा ही रहा होगा, लिक्विड प्रेशर की वजह से फोर्स, तो एक फोर्स तो इस पर ऐसे लग रही होगी, फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर, है ना? इंटरनल प्रेशर की वजह से, लिक्विड प्रेशर की वजह से। एक फोर्स इस पे ऐसे लग रही होगी, आर यू गेटिंग दिस? एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, बाहर के प्रेशर की वजह से, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको पी ओ लिख रहे हो आप। और एक फोर्स आएगी सरफेस टेंशन वाली। सरफेस टेंशन कहां पे लगता है? लिक्विड के सरफेस पे। इसका सरफेस क्या ये पूरा है? नहीं, ये तो आपने काटा है, ये सरफेस थोड़ी ना है, तो अंदर है सरफेस। ये है इस लिक्विड का फ्री सरफेस एरिया, ये जो सरफेस दिखाई पड़ रहा। सरफेस टेंशन की फोर्स सिर्फ इस पे लगेगी। अच्छा, अगर मैं बीच में आऊं तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है पूरे लिक्विड को छोटे से छोटा सरफेस एरिया करने की, यानी ये वाला पार्ट वाला लिक्विड इधर को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये पार्ट वाला लिक्विड इधर को अपनी तरफ खींच रहा होगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन भी कराया था, मैंने कहा था कि ये लिक्विड का सरफेस है, तो इधर पार्ट वाला लिक्विड इसको अपनी तरफ खींचेगा एफ फोर्स से, और इधर पार्ट वाला लिक्विड इसको अपनी तरफ, एक इमेजिनरी लाइन बनाई मैंने लिक्विड के फ्री सरफेस पे। ये पार्ट वाला लिक्विड इसको इधर खींचेगा, ये पार्ट वाला लिक्विड इसको इधर, मतलब ये वाला स्फीयर इधर वाले ड्रॉप के पानी को अपनी तरफ पुल करना चाहेगा ताकि सरफेस एरिया मिनिमम हो। कहां कहां पुल करेगा? यहां, यहां, समझ रहे हो? कहां पे? सरफेस पे, गलती मत करना। कहां पे? इसके सरफेस पे। तुम काट दिया, सरफेस पे लगता है सरफेस टेंशन, अंदर नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, लाइन पे लगता है, एरिया पे नहीं लगता। अगर आपको याद हो तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एरिया पे नहीं लगता। यानी जो फोर्स आएगी सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, किस लेंथ पे लग रहा? ये सरकमफेरेंस पे, ये पूरे सरकमफेरेंस, इस एरिया पे नहीं लग रहा भाई, स्पेस लाइन पे लग रहा। इधर वाले लिक्विड इसको इधर खींच रहा, ये इधर। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इन तीन फोर्स के प्रेजेंस में ये पार्ट इक्विलिब्रियम में तो होगा ही, दोनों पार्ट इक्विलिब्रियम होंगे। तो इक्विलिब्रियम की बात करें हम, इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करें, सो एक्सटर्नल प्रेशर वाली फोर्स टूंग टूंग प्लस सरफेस टेंशन वाली फोर्स टींग टींग इज इक्वल्स टू लिक्विड प्रेशर वाली फोर्स टैंग टैंग। लिक्विड तो पूरे पे प्रेशर लगाएगा, धूम धूम। देखो यहां से भी वही बात आ रही है कि लिक्विड वाला जो प्रेशर होता है, फोर्स होता है, वो एक्सटर्नल वाले से ज्यादा, देखो दोनों को मैनेज कर रहा है। लिक्विड वाला प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर, इसको भी मैनेज कर रहा है, सरफेस टेंशन को भी मैनेज कर रहा है। अच्छा, अब क्या करें? एक्सटर्नल फोर्स, तो भैया हमको प्रेशर पता है, फोर्स का फॉर्मूला बोलो। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो बाहर से प्रेशर आपने माना है पी ओ, मल्टीप्लाइड बाई किस एरिया पे लग रहा है? ये तो इस पूरे एरिया पे लग रहा। अरे यार बड़ा दिक्कत है सर, यहां पे देखो फोर्स ऐसे होगी, यहां पे फोर्स ऐसे होगी, यहां पे ऐसे होगी, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे। देखो ये दोनों यूं, ये दोनों यूं, ये ऐसे, मतलब ये जो नेट फोर्स है ना, ये इसी डायरेक्शन में आएगी, क्यों क्यों ऐसे। जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, समझो ना, ये वाली फोर्स जितनी नीचे, ये वाली फोर्स उतनी ऊपर, कैंसिल। और दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा, वर्टिकल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अब बात आ रही है कि सर ये एरिया क्या लें, 2 पाई आर स्क्वायर? नहीं बच्चों, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा, मतलब फोर्स सिर्फ इस पे लग रही है, इस पे। मतलब एक काम करो, यहां खड़े हो जाओ, अब इसको ध्यान से 2D में देखो, 3D में नहीं, 2D में देखो, तो फोर्स ऐसे लग रही है, कुछ 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 ऐसे नहीं, ऐसे।
मतलब फोर्स एक्चुअली इसके फ्लैट सरफेस एरिया पे लग रही है। इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं कि इन सारी फोर्सेस का एरिया का मैं कंपोनेंट लूं और प्रूफ करूं कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ इस पे लग रही इसके मतलब इस एरिया का आपको कंपोनेंट देखना है हॉरिजॉन्टल, इस एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल वाला कैंसिल, इसका हॉरिजॉन्टल, इसको लेके हॉरिजॉन्टल दीवार पे से छाप दो, ये अपना कटोरे जैसा है, इस कटोरे को लेकर दीवार पे से दबा दो, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या पाई आर स्क्वायर आएगा, वही फोर्स तो लग रही, वर्टिकल वाली तो कैंसिल। इसका एक लंबा सा डेरिवेशन इसी पर मैं दिया, मैं उसको यहां पे छोड़ रहा, मैं कह रहा हूं इस कटोरे को लो, हमेशा बोलता हूं सिंपल भाषा में समझो, इस कटोरे को लो दीवार पे लेके से दबा दो, तो आपको दिखेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी है, एस इंटू एल, किस लेंथ पे लग रहा सरफेस टेंशन, इस पूरी लेंथ पे, ये लेंथ कितनी होगी बोलो, सर्कमफेरेंस 2πr, s इंटू 2πr इज इक्वल्स टू लिक्विड का प्रेशर, अरे यार लिक्विड का प्रेशर तो इस पे लग रहा है, इस एरिया पे क्या हो जाएगा लिक्विड की फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना है अपना, हम इसको प्रेशर कितना ले लें लिक्विड का, बोल 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 पीआई ले ले, लिक्विड का प्रेशर पीआई लिया, पीआई इंटू किस एरिया पे लग रहा है, इस पे पूरे पे, यानी पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। ये वाली बात फील हुई है क्या, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद रखना इसको अब से, ये सारी फोर्सेस कैंसिल। चलिए तो इतनी बातें करने के बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सो इट विल बी पाई 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 विल बी कैंसिल, पाई ने पाई को खा लिया, आर ने आर को खा लिया, क्या बचा मेरा पी नॉट आर पी आई आर टू इन टू एस, इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर, सो टू एस इज इक्वल टू पी आई आर माइनस पी नॉट आर, सही है, यहाँ से टू एस बटे आर इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस पी आउटर, एक्सटर्नल बोलो आउटर बोलो, ये क्या हो गया डेल्टा पी इज इक्वल टू टू एस बाय आर, प्रूव हो गया। तो चाहे इस तरह से डिराइव कर लो भाई, चाहे उस तरह से, दोनों 100% सही है। लिक्विड के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, कितना ज्यादा प्रेशर 2s by r, अगर लिक्विड ड्रॉप है तो, क्लियर हुआ, कितना एक्सेस प्रेशर 2s by r, 2s by r। अब यहीं पे एक दुविधा आती है कि सोप बबल में 4s by r क्यों हो जाता है, अंदर ज्यादा प्रेशर क्यों है, फीलिंग तो मिली ना, फीलिंग के बिना मजा नहीं फिजिक्स में, ये नहीं कि रट लिया 2s by r, क्योंकि अंदर वाला प्रेशर बाहर के प्रेशर को तो मैनेज कर ही रहा है, साथ में सरफेस टेंशन जो स्फीयर को छोटा करना चाहता है उसको भी मैनेज कर रहा है, तो दोनों को मैनेज कर रहा है, तो ज्यादा होगा कि नहीं बाहर से, वेरी गुड। तो भाई साहब अब हम बात करते हैं सोप बबल की, तो सोप वो वस्तु होती है जिससे हम लोग नहाते हैं, सर मैं तो नहीं नहाया एक साल से, तो सोप बबल, देखो सोप की एक लेयर जो हम लेते हैं, हम सोचते हैं वो एक लेयर है, पर उसमें थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हम कहते हैं लिक्विड की एक लेयर, लेयर का मतलब थोड़ी ना पन्ने जैसी एक लेयर होगी, उसमें थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सोप की लेयर थिक होती है, तो माना जाता है कि सोप की कभी भी सिंगल लेयर एग्जिस्ट नहीं करती, माना जाता है सोप की डबल लेयर है, ऐसे सोप की लेयर इतनी थिक है मॉलिक्यूल्स की लेयर कि एक लेयर इंटरनल एक लेयर एक्सटर्नल बन जाती है, तो सोप के पास हमेशा डबल लेयर होती है। मैंने कई बार बताया है कि जब भी आपको सोप फिल्म की बात करें, सोप लेयर की बात करें, तो वो हमेशा डबल लेयर होता है। तो सोप बबल में दो लेयर होती है, दिखाई नहीं पड़ेंगी यार नॉर्मल आग से, इतनी क्लोज होती है, बट होती दो लेयर है। दो लेयर होने की वजह से यहां का जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से दो गुना, मतलब पिछली बार से दो गुना 4s by r होता है। छोटा सा डेरिवेशन क्या है इसको, ऐसी मजाक में समझा देता हूं मैं इसको, थोड़ा ऐसी मतलब एग्जैजुरेट करके बना रहा हूं इसे, ठीक है, ऐसे होती नहीं दो लेयर, इतनी दूर दूर नहीं होती, एकदम चिपकी हुई होती है, मैंने इसको जूम कर लिया, जूम इंटू 16 गुना चिक 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 बढ़ गया। अच्छा मान लो यहां पे प्रेशर है PO, ठीक है बच्चों, दोनों का रेडियस बराबर होगा, ठीक है, मैंने बनाने के लिए बनाया ऐसे, देख रहे हो दोनों का रेडियस बराबर, एकदम बगल बगल लेयर है, मैं बनाने के लिए ऐसे बना दिया इसको, ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है,
यहां का प्रेशर मान लो पी नॉट है, तो यहां आने पे प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा, अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा, कितना बढ़ेगा यहां पे आके बोलो? यहां प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस टू एस बाय आर, यानी इस जगह पे प्रेशर है पी नॉट प्लस टू एस बाय आर। अब यहां से अंदर आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, कितना ज्यादा? 2s by r, यानी यहां आओगे जब अंदर तो प्रेशर होगा p नॉट प्लस 2s by r, ये तो इसके बाहर था, प्लस 2s by r। क्या बात समझ में आई? नहीं आई। यहां से अंदर आए तो इनसाइड का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा? 2s by r। फिर यहां से अंदर आए तो इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड से कितना ज्यादा? 2s by r। सो दिस इज प्रेशर इनसाइड विच इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस 4s by r, and hence you can say p inside minus p outside is 4s by r। Feel हुआ? बाहर p not, अंदर आए, अंदर का प्रेशर बाहर ज्यादा, p not plus 2s by r। फिर डबल लेयर होने वजह से फिर अंदर आए, अंदर का प्रेशर इससे ज्यादा, कितना? 2s by r। तो टोटल कितना ज्यादा हो गया? 4s by r। ये क्या हुआ? मिटा दूं? अच्छा, इसको अगर आपको फील नहीं है तो आप इसको वैसे कर लेना। कैसे? वैसे सर, वैसे कैसे? वर्क डन वाले मेथड से, वर्क डन इन एक्सपेंडिंग डेल्टा आर इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अब वही चूहे खाने वाले लोग होंगे जो ये सब करेंगे, नॉर्मल इंसान तो कहेगा भाई समझ में आ रहा है, तो बहुत ही छोटी सी बात है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अब ध्यान रखना, सरफेस या वर्क डन का तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, ठीक है, लगाने को लगा सकते हो। और सरफेस एनर्जी में क्या फॉर्मूला था सरफेस एनर्जी का? S इंटू डेल्टा A। तो डेल्टा A में आपको एरिया को डबल टाइम्स लेना पड़ेगा, सब बताना पड़ता है। डेल्टा A क्या होगा बोलो? 4 पाई R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक लेयर का एरिया नहीं बढ़ा, दोनों लेयर का एरिया बढ़ा। क्लियर है? अब देखो यहां पे s इंटू ये पूरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो गया, पहले 2s by r आ रहा था, अब 2 से मल्टीप्लाई होने से ये टर्म, यार इधर ही तो है ये, ओए भाई इधर ही तो है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा टर्म डबल नहीं हो जाएगा? 4s by r। ट्राई करना, मैं डिराइव नहीं कर रहा, यू कैन ट्राई दैट, बस ये बता दिया मैंने हिंट। चलो भाई, तो सोप बबल के अंदर प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है 4s by r। रीजन ये है कि उसमें दो बार ड्रॉप मिलती है, एक ड्रॉप के अंदर गए 2s by r, दूसरे के अंदर गए तो 4s by r। चलिए, इतनी लॉजिक्स लेके मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेस प्रेशर इन अ, पहला लिक्विड ड्रॉप, दूसरा सोप बबल। अच्छा, सोप बबल के अंदर होता क्या है? एयर है ना, सोप बबल के अंदर क्या होता है? एयर, फिल्ड विथ एयर। और तीसरा, एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर। सरफेस टेंशन रेडियस बता दूं, लिक्विड ड्रॉप वाटर ड्रॉप ले लो, लिक्विड ड्रॉप क्या? वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप का हमको रेडियस दे रहा है 2 मिलीमीटर, और सोप बबल का हमें रेडियस दे रहा है 4 मिलीमीटर, और एयर बबल का रेडियस दे रहा है 4 मिलीमीटर, और हमें सरफेस टेंशन दे रहा है, वाटर की सरफेस टेंशन बोलो 0.076 7675 जो ले लो न्यूटन पर मीटर। सोप की सरफेस टेंशन पिछले लेक्चर में कई बार बताया 0.03 या 0.04 न्यूटन पर मीटर। एयर बबल इन वाटर, एक काम करते हैं, वाटर ड्रॉप हटा के मरकरी ड्रॉप ले लो, मरकरी ड्रॉप रेडियस 2 मिलीमीटर और सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी 0.465 न्यूटन पर मीटर, और एयर बबल इन वाटर, इसमें वाटर का सरफेस टेंशन 0.076 न्यूटन पर मीटर। आप सबके अंदर एक्सेस प्रेशर निकालो, कर लोगे
जल्दी जल्दी बताओ, मरकरी ड्रॉप के लिए क्या लिखोगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s बाय आर, खत्म। 2 इंटू एस कितना है? 0.465 न्यूटन पर मीटर एसआई यूनिट में, रेडियस 2 मिलीमीटर, तो 2 × 10⁻³, 2 से 2 कैंसिल, 0.465 ऊपर जाके हो जाएगा 10³, और ये पॉइंट हट जाएगा, तो 465 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना एक्सेस प्रेशर, क्लियर है? वो 10³ से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हट जाएगा। दूसरा देखो सोप बबल, सोप बबल में क्या फॉर्मूला लगाओगे? बस यहीं पे डिफरेंस था, कितना? 4s बाय r। अरे सर इतना हलवा सवाल, 4 इंटू एस की वैल्यू बोलो 0.03, और रेडियस कितना है? 4 मिलीमीटर, यानी 4 × 10⁻³, 4 से 4 कट गया, 10⁻³ ऊपर जाएगा, गया 1 0 1 0 कैंसिल, 30 आएगा मेरे ख्याल से आंसर, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट वाला एयर बबल इन वाटर, इंपॉर्टेंट केस, याद रखो जब भी एयर बबल इन वाटर तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s बाय r, और सरफेस टेंशन एयर का नहीं वाटर का रखेंगे, क्योंकि एयर बबल का जो सरफेस है, एयर बबल का जो सरफेस है वो तो वाटर से ही बना है, कहानी तो सरफेस टेंशन की है ना, सोप बबल का सरफेस किससे बना है? सोप से, तो सोप की सरफेस टेंशन। एयर बबल का सरफेस किससे बना है? वाटर से, तो वाटर की सरफेस टेंशन। सो 2 × सरफेस टेंशन देखो 0.076 डिवाइडेड बाय रेडियस 4 × 10⁻³, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 0.023 = 6, 16, 2 × 16, 0.038 ये ऊपर जाएगा 10³, डिंग 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 कैंसिल, तो दिस विल कम आउट टू बी 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही बोल रहा हूं, क्लियर है? सो दिस इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड मरकरी ड्रॉप, सोप बबल या एयर बबल इन वाटर। चलिए अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, तो जो अपना आज का टारगेट क्वेश्चन था उसकी तरफ चलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जेई एडवांस 2017 का सवाल कराया था, आज मैं आपको थोड़ा समय में पीछे ले जाता हूँ। ये उन दिनों की बात है बच्चों जब जेई मेन्स और एडवांस नहीं हुआ करते थे। मैं समय हूँ IIT JEE 2009 इंटरेस्ट के लिए करा रहा हूँ, ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। हमसे बोला कि यहाँ पे एक चैम्बर है, ये एयर चैम्बर है, और इस एयर चैम्बर के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके अंदर दो सोप बबल हैं, इसके अंदर दो सोप बबल हैं ए और बी, क्या है? सोप बबल, और इन सोप बबल का रेडियस हमें दे रखा है, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर रेडियस। सरफेस टेंशन ऑफ सोप 0.04 न्यूटन पर मीटर। हमसे पूछते हैं फाइंड एनबी बाई एनए, जहां पे एनबी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन बी स्फेयर, एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन ए स्फीयर। एन बी एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन बी एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन ईच स्फीयर, एयर के कितने मोल्स हैं ईच स्फीयर में, एन बी बाई एन ए। तो मैं चाहूंगा इसको आप खुद से ट्राई करें, सरफेस टेंशन दिया है, रेडियस दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, कैसे होगा सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। अरे भैया अरे देखेंगे इसको, तो इसको हम देखेंगे। हाँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, तो केमिस्ट्री की कहानी लग रही सर। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि सोप बबल के अंदर क्या होता है? एयर होती है। ध्यान से सुना करो लेक्चर, सोप बबल के अंदर क्या होता है? एयर होती है। तो अगर मैं किसी भी सोप बबल की बात करूं तो इसके अंदर है क्या? एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा अगर इसके अंदर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं आईडी ने लिखा नहीं था कि आइडियल गैस मानो, ये सब तो आपको खुद से लॉजिक लगानी पड़ेगी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यहां से नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं सर। एन इज इक्वल्स टू पीवी बाय आरटी। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बी में चाहिए तो हम लिखेंगे प्रेशर
इनसाइड बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन बी, प्रेशर इनसाइड बी, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन आर इंटू टी, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर, अब पूरा इंक्लोज है तो टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन ए, प्रेशर ए वी ए बटे आर टी, आर सबके लिए कॉन्स्टेंट, सारी गैस के लिए, टेम्परेचर दोनों का सेम क्योंकि एक ही चैम्बर में है, सो वी गेट पी बी इंटू वी बी अपॉन पी ए इंटू वी ए, यानी हमें इसके अंदर का प्रेशर पता हो और इसके अंदर का प्रेशर। अब अंदर का प्रेशर कैसे निकलेगा, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा बाहर से, कर पाओगे? आओ, बी में कितना प्रेशर होगा, बाहर का प्रेशर प्लस, सो बबल है, प्लस बाहर का प्रेशर पी नॉट मान लो, प्लस फोर एस बाय आर, तो बाहर का प्रेशर कितना है, एट प्लस फोर इंटू एस कितना है, 0.04 बटे आर कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर, सही है, पी नॉट प्लस फोर एस बाई आर 0.04 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बी, बी का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, आर कितना है, 4 का क्यूब, 4/3 पाई। अब मैं 4 को वहां पे चेंज नहीं कर रहा हूं मीटर में, क्योंकि नीचे इसका भी वॉल्यूम सेंटीमीटर में, तो वो कैंसिल हो जाएगा रे भाई, क्लियर है ना, फालतू की बात नहीं। प्रेशर इनसाइड ए, ए के अंदर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस फोर एस बाई आर, सेम पी नॉट कितना है, 8, बाहर प्रेशर कितना है इसमें, 8 प्लस 4 एस कितना है, 0.04 बटे रेडियस कितना है, 2 को हम लिखेंगे 0.02 मीटर, इनटू वॉल्यूम ऑफ ए, ए का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, खत्म, इसको सॉल्व कर लो, क्लियर है। चलिए तो ये हो जाएगा 0.4 कितना हुआ, 12 मल्टीप्लाई 4/3 पाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 8 8 8 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 × 4 × 4 चार का क्यूब, नीचे 2 × 2 × 2 चार चौके 16, 2 × 2 = 4 2 6 = 12 सो द आंसर इज 6। इंटीजर टाइप सवाल था और इसका उत्तर 6। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर हम करेंगे कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन समझते हैं, जिस तरह से पेड़ पौधों में पानी ऊपर जाता है पतली पतली स्टेम में, तो ये कैपिलरी एक्शन भी सरफेस टेंशन का रिजल्ट है। क्या अभी तक सरफेस टेंशन का सिर्फ फॉर्मूला आता था, फील आ रहा है, दो लेक्चर में पूरा फील दिया, फिजिक्स में फील होना बहुत जरूरी है, तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।